आप देख रहे हैं लायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड। ये है बिग मैजिक। देखिए बिग बाल कलाकार, संगीत में संस्कार। मुहिम से जुड़िए जिसका मकसद है हिंदुस्तान को उसकी जड़ों से जोड़ना। हिंदुस्तान को जड़ों से जोड़ने का अभियान देखिए सिर्फ बिग मैजिक पर। हिंदुस्तान को उसकी जड़ों से जोड़ने का अभियान। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। क्या बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पेप्सोडेंट सुपर सॉल बिग बाल कलाकार में, जिसकी हाइजीन पार्टनर है लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश। और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे गुरुजनों का। स्वागत है आप तीनों का हमारे इस शो में, और स्वागत करेंगे हमारे 12 बाल कलाकारों का जोरदार तालियों से। पिछले हफ्ते आपने सुना हमारे 12 बाल भक्तों की सुरमयी प्रतिभाओं को, लेकिन इस हफ्ते से उन्हें देनी होगी और भी कठिन परीक्षा, क्योंकि इस हफ्ते से शुरू हो रहा है हमारा तपस्या चक्र, जिसके तहत हमारे गुरुजन सभी बाल भक्तों की सारी परफॉर्मेंसेस होने के बाद ये तय करेंगे कि कौन से वो बाल भक्त हैं जो पहुंचेंगे सीधे सुरक्षा चक्र में, और कौन से वो 3 बाल भक्त हैं जिन्हें देनी होगी एक बार फिर से अपनी भक्ति और सुरों की शक्ति की परीक्षा, जिसके आधार पर हमारे गुरुजन तय करेंगे कि कौन सा वो बाल भक्त है जिसे करना होगा इस मन से विदा। लेकिन फिलहाल आप सभी को मुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी देनी है, वो ये है कि आप में से जो बनेगा आदर्श बाल कलाकार वो होगा संगीत शिक्षा की छात्रवृत्ति का हकदार, साथ ही उसे मिलेगा बिग मैजिक और बिग एफएम की तरफ से एक भक्ति एल्बम बनाने का अवसर। आज का जो विषय है वो है सूफियाना। ईश्वर की भक्ति के अनेकों मार्ग है, पर उसके निराकार रूप की उपासना ही सूफियाना कलाम है। अपने आप को भुला के ईश्वर में खो जाना ही तो है सूफी। और इसी तरह का मस्त मौला सूफियाना अंदाज लेकर आ रहे हैं इंदौर से सार्थक कल्याणी। जोरदार तालियां। संगीत मेरे रोम रोम में है, मैं हूँ सुरों का साधक, इंदौर की है मेरी वाणी, नाम है मेरा सार्थक कल्याणी। आ, 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 आ,
अपने गुरुजनों से पूछूंगी। तुमने जो डबल में सरगम ली ना, वहां थोड़ा सुर गया, बाकी तुम्हारी एज से ये राग बहुत ज्यादा वजनदार है, और उसको उठा के तुम चले, मैं तो उसी के लिए तुम्हारे लिए ताली बजाता हूं। गॉड ब्लेस। राजन मिश्रा जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका गाना। ये मुखड़ा जो है बहुत कठिन था, क्योंकि वो सम के पहले से उठ के और सम पे आना था, तो आपने बहुत ही अच्छा उसको निभाया। हमारा बहुत बधाई है और बहुत आशीर्वाद है आपके। यही सही मायने में सूफी कलाम है, जहाँ एक सकूनियत है, जहाँ सकून के साथ एक प्रार्थना किया जाता है। तो सब मिला के आपके अंदर में आज के परफॉर्मेंस से तो मैं ये कहता हूँ कि आदर्श कलाकार आप बनने जा रहे हैं। साथ आप इंतजार कीजिए, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे सारे बाल कलाकारों की परफॉर्मेंसेज हो जाएगी कि आप सुरक्षा चक्र में जाते हैं या तपस्या चक्र में। तब तक आप इंतजार कीजिए, अपनी जगह पर जाके बैठिए।